आपके
ऐसे सवाल बुक में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मॉडल तो मौजूद है कि लिपिड हार्मोन का क्या मॉडल है और प्रोटीन हार्मोन के एक्शन का मॉडल क्या है, वो तो मौजूद है। तो एनीवे वो किसी भी लिहाज से आपको इन्हें याद करना, किसी भी बुक में आते हैं जो मजीद जैसे इसके हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं। केमिकल दैट फंक्शन एज अ हार्मोन मस्ट एग्जिबिट टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, हार्मोन की फीचर्स है कौन कौन सी फीचर्स है। फर्स्ट दे मस्ट बी सफिशिएंट कॉम्प्लेक्स टू कन्वे द रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन थ्रू देयर टारगेट सेल। जैसे आपको बताए कॉम्प्लेक्स सफिशिएंटली कॉम्प्लेक्स, यानी ऐसी उनकी नेचर होनी चाहिए जो मैसेज या इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाए, ऐसे मॉलिक्यूल होने चाहिए। ऐसे ना हो कि आज डिग्रेड हो जाए, टूट जाए, जैसे होता है ना पुराने दौर में जंगों के अंदर जो मैसेज या इंफॉर्मेशन जो होती थी जो लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह तक, वो मैसेंजर कहें या इंफॉर्मर कहें, वो उसका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि वो इंफॉर्मेशन लेके भाग जाए, ऐसे नहीं कि किसी दूसरे दुश्मन फौज के हाथ वो अगर लग जाए तो सारी इंफॉर्मेशन उसको दे दे। तो बिल्कुल इसी तरह जो मैसेंजर होते हैं, जो केमिकल मैसेंजर होते हैं, मस्ट बी सफिशिएंटली कॉम्प्लेक्स टू कन्वे द रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन टू देयर टारगेट सेल। यही तो होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर, एक ऐसा केमिकल हो जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो टारगेट सेल तक जो है स्ट्रक्चर ऐसी हो कि वो टारगेट सेल तक इंफॉर्मेशन जरूर लेके जाए। सेकंड, हार्मोन मस्ट बी एडिक्वेटली स्टेबल टू रेजिस्ट डिस्ट्रक्शन प्रायर टू रीचिंग द टारगेट सेल। जाहिर है डिस्ट्रॉय भी ना हो, बिकॉज जैसे हार्मोन है तो उसमें कई उसको डिस्ट्रॉय करने के केमिकल्स एंजाइम्स हो सकते हैं उसको डिस्टर्ब करें, या वो केमिकल दूसरे किसी मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है, फिर इंटरेक्ट करेगा तो मैसेज या इंफॉर्मेशन टारगेट से कल तक नहीं जाएगी, बिकॉज केमिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, कोई रिएक्शन भी कर सकते हैं, फिर जो उसका जो पर्पज है वो फेल हो जाएगा। जो इंफॉर्मेशन एक जगह की दूसरी जगह तक जाननी देनी होती है वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी। इस वजह से किसी भी हार्मोन के जैसे ये दो फीचर्स जरूरी होती है कि वो डिस्ट्रॉय भी ना हो, इतनी उसकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो कि वो मैसेज इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल तक दे सके। जैसे इसके अंदर कोई एक बिग क्वेश्चन वगैरह टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, थोड़ी सी समझने की बात है। उसके बाद जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि जैसे थ्री मेन कैटेगरीज जो है, एक पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, जिसे अमाइन कहते हैं, ये तीनों जैसे कहेंगे हम कि प्रोटीन एसिड कैटेगरी में आते हैं, और दूसरी जो मेन कैटेगरी होती है स्टीरॉइड हार्मोन की होती है। अलग अलग हेडिंग दी गई है एसटीबी बुक के हवाले से। सबसे पहले हम पेप्टाइड हार्मोन की तरफ आते हैं कि पेप्टाइड हार्मोन कौन कौन से या उनके नेचर क्या होती है। पेप्टाइड हार्मोन कंपोज्ड ऑफ चेन ऑफ अमाइनो एसिड अराइजिंग फ्रॉम फ्यू टू ओवर हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड। बुक में कोई क्लियर पॉइंट नहीं है, अप टू 200 अमाइनो एसिड जो होते हैं वो पेप्टाइड हार्मोन की कैटेगरी में होते हैं। उसके बाद जैसे शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड है वो 200 अमाइनो एसिड की कैटेगरी में आएगी, जिन्हें हम कहेंगे पेप्टाइड कहेंगे। मोर देन 200 अमाइनो एसिड वाली चेन होगी तो वो होगी लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, जिन्हें हम प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कहेंगे। हार्मोन्स कार्डन प्रोटीन हार्मोन्स जिसमें जैसे ग्रोथ हार्मोन है, इंसुलिन वगैरह, मोर देन 200 अमाइनो एसिड जिनमें होते हैं तो वो प्रोटीन हार्मोन्स की कैटेगरी, और जस्ट जो पेप्टाइड होते हैं वो मैक्सिमम 200 अमाइनो एसिड की कैटेगरी वाले होते हैं, उन्हें हम कहेंगे पेप्टाइड शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड दैट आर पेप्टाइड। और मोर देन जैसे 200 होंगे वो पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जस्ट कोई फिगर याद नहीं करनी क्योंकि बुक में कोई ऐसी फिगर नहीं है, तो अब नहीं याद करेंगे। उसके बाद ये जो कैटेगरी है ये बिल्कुल जैसे इम्पोर्टेंट है अमाइनो एसिड्स की। हार्मोन्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ, अच्छा तीसरी कैटेगरी था, अच्छा ठीक है यही है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स, जैसे अमाइन भी कहते हैं, मॉडिफाइड अमाइनो एसिड या सिंपली अमाइन भी कहते हैं, जो जस्ट एक सिंगल अमाइनो एसिड के बने होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अमाइन कहते हैं। दिस ग्रुप ऑफ बायोजेनिक अमाइन्स डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर, कहा कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में कौन कौन से थे, एपिनेफ्राइन, नॉरएपिनेफ्राइन, सीरोटोनिन, डोपामिन, ये सब बायोजेनिक अमाइन्स है। हमने उधर भी जैसे डिस्कस किया था कि आगे हम जैसे
ना केमिकल कोऑर्डिनेशन में इनको डिस्कस करेंगे, तो ये बायोजेनिक अमाइन्स है, मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हमारे बुक के अंदर भी आ गई, काफी मौजूद है। टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड होते हैं, उनकी मॉडिफिकेशन होती है, वहां से ये बायोजेनिक अमाइन्स बनते हैं। दे इंक्लूड हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल मेड्यूला के अंदर एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन होते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन जो हमारे बुक में, इस बुक में जो डिस्कशन नहीं है, बायोलॉजिकल कलाम को मेंटेन करने में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये मेलाटोनिन हार्मोन, T3/T4 हार्मोन, epinephrine, norepinephrine, ये सब जो हम सिंगल मॉडिफाइड अमाइनो एसिड से बनते हैं। आगे नेक्स्ट में ये सब चीजें मौजूद है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज। अब देखिए, सबसे पहले आप ये ध्यान में रखें कि कौन कौन से अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड एक होगा टायरोसिन अमाइनो एसिड होगा, टायरोसिन में इपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन बनेंगे। टायरोसिन अमाइनो एसिड मॉडिफाइड अमाइनो एसिड, इसमें इपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन। ट्रिप्टोफैन जो होगा उसमें जो है ये मेलाटोनिन, में ट्रिप्टोफैन से मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। पहले मेरे सबसे पहले ये दो चीजें रैंक में रखें, पर एक ऐसी कैटेगरी है कि सीक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला आर ड्राइव्ड फ्रॉम टायरोसिन अमाइनो एसिड नोन एज कैटेकोल अमाइन्स। ये केमिस्ट्री के हवाले से जैसे हम एक टर्म सीखेंगे कैटेकोल, जैसे ये एक शायद आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डाई हाइड्रिक फिनोल है, OH ग्रुप दो है, ये कैटेकोल, कैटेकोल अमाइन, अमाइन का मतलब क्या है, मॉडिफाइड अमाइन एसिड, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप जैसे उसमें डाई हाइड्रिक फिनोल होगा तो पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो यकीनन वो कैटेकोल होगा। और प्लस में मोडिफाइड अमाइनो एसिड तो क्या है, जैसे यकीनन जो ये ड्यूपेनिन है, ये फार्मूला वगैरह की जरूरत नहीं है, और इसी तरह से एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन में है, तो ये सारे जो है यकीनन जो है इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप इस कैटेकोल होने की वजह से इसे अंदर कैटेकोल अमाइन्स, ठीक है। उसमें ड्यूपेनिन, नॉरएड्रेनलिन और एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन से बात है, वो कैटेकोल जैसे ड्राइव फ्रॉम टायरोसिन, मेन जो इसमें अमाइनो एसिड टायरोसिन है, पर उसके अंदर आपको पता है कैटेकोल जो है फिनोल ग्रुप जो अटैच होता है अमाइन, अमाइन रेफर्स टू अमाइनो एसिड, तो दे इंक्लूड उसके अंदर एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन है, ठीक है। जस्ट केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, बस एक टायरोसिन अमाइनो एसिड लाइन रखना है। इसी तरह से आप देखें एक और टायरोसिन हार्मोन की जो उसमें से जो ओरिजिन होती है हार्मोन की, वो थायरॉयड हार्मोन की है। थायराइड हार्मोन को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, अमाइन प्रोटीन किस या लिपिड, अमाइन में रखेंगे। नेक्स्ट पेज उसमें आप थोड़ा सा एक कैटेगरी में देखें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक है, तो उसमें किसमें रखेंगे, देखो कौन सा भाई, ये स्टीरॉइड में रखेंगे। यही चीज आज हम सीखेंगे कि ओरिजिन जो इसकी होती है वो टायरोसिन अमाइनो एसिड की होती है, पर इसके साथ दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर होने की वजह से हाइड्रोफोबिक हो जाते हैं। हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, दे आर लिपिड सॉल्युबल, सो दे आर लिपिड सॉल्युबल। इसी वजह से आप नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे उसके अंदर कैटेगरी के अंदर जो लिपोफिलिक हार्मोन है वो लिपोफिलिक हार्मोन, थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन T3/T4 आर द लिपोफिलिक हार्मोन। लिपोफिलिक क्यों हुए, बिकॉज उनके साथ एक इलस्ट्रेशन भी आते हैं, चलो पहले इलस्ट्रेशन देख ले फिर आपको एक आइडिया या अंदाजा हो जाएगा लिपोफिलिक हार्मोन, व्हाई दे आर लिपोफिलिक हार्मोन। लिपोफिलिक हार्मोन इस तरह से हुए, जैसे ये आप देखें ये अमाइनो एसिड है, टायरोसिन है, उसके साथ जो है एक जैसे फिनोल ग्रुप होता है और एक बेंजीन रिंग होती है, दो जैसे उसमें ऐसे जो एक फिनोल ग्रुप हो और बेंजीन रिंग अटैच होती है। उसके बाद होता क्या है, उसकी बेंजीन रिंग या फिनोल जो रिंग है उसके अंदर आइदर 3 नंबर या 5 नंबर पे जो है एक आयोडीन का
एंजाइम भी अटैच होता है। तो इसी तरह से जो जिसके अंदर चार आयोडीन के होंगे तो थायरोसिन T4 जो होगा, जिसके अंदर जैसे अगर 3 आयोडीन अटैच होंगे तो T3 हार्मोन होगा। मेन इसकी कंस्टिट्यूशन में क्या शामिल है, मेन कंस्टिट्यूशन में इसमें शामिल है कि टायरोसिन अमाइनो एसिड, पर इसके साथ जैसे आपको बताया कि बेंजीन रिंग या बेंजीन रिंग जो ठीक है फंक्शनल ग्रुप इज कंसीडर्ड एज लिपोफिलिक इफेक्ट इज नॉन पोलर, तो ये बेंजीन रिंग जो है नॉन पोलर है, इस वजह नॉन पोलर होने की वजह से ये हाइड्रोफोबिक हो गया है। बेंजीन रिंग की वजह से ये जैसे जो नॉन पोलर है तो हाइड्रोफोबिक हो गया। और ऐसे सब्सटेंसेस आपको पता है कि लिपिड सॉल्युबल होती है, ऐसी सब्सटेंसेस जो है लिपिड सॉल्युबल होती है, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होती है। इस वजह से जो ये कैटेगरी जो नेक्स्ट दी गई है उसके अंदर आइदर हाइड्रोफिलिक या लिपोफिलिक, तो T3 T4 जो हार्मोन है ये लिपोफिलिक की नेचर है, पर इनकी जो ओरिजिन होती है वो ओरिजिन जो होती है वो अमाइनो एसिड की है, टायरोसिन अमाइनो एसिड। ठीक है, कोई ऐसी स्ट्रक्चर वगैरह आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है कि ओरिजिन इसकी जो है टायरोसिन अमाइनो एसिड है, उसके साथ एक फिनोलिक रिंग होती है, एक बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग जो है नॉन पोलर इन नेचर होती है, नॉन पोलर इन नेचर होने की वजह से वाटर सॉल्युबल नहीं बट लिपिड सॉल्युबल होगी, तो हम उसे कहेंगे लिपोफिलिक। इस रीजन की वजह से ये जो है टारगेट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है आपके ध्यान में होगी कि भाई ऐसा क्यों है, तो ये जरा एक्सेप्शन है। अच्छा, तो उसके बाद जो स्टीरॉयड हार्मोन की सेक्शन की तरफ आते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन यकीनन आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल से ही जो है स्टीरॉयड हार्मोन बनते हैं, जिसके अंदर ये सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड कार्टिसोल भी एड्रिनल कॉर्टेक्स है, वही जो है प्रोड्यूस करता है। तो यानी टेस्टोस्टेरोन हो या ईस्ट्रोजन हो, ये गोनेड्स हार्मोन जो प्रोड्यूस करने वाले वो है, गोनेड्स जो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, टेस्टिस एंड ओवरी प्लस में एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसके जो हार्मोन अल्डोस्टेरोन और कार्टिसोल है ये स्टीरॉयड नेचर है। थोड़ा ग्लैंड्स को भी थोड़ा साथ में आप एड कर लें ताकि और भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा याद भी हो जाए, उसकी जैसे लॉजिक रीजनिंग भी समझ में आ जाए। तो अब हम जैसे एक पॉइंट पे आएंगे जो दो तीन बार तो हमने पढ़ी है, ताकि मजीद थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाए। आपको ये कौन सा मॉडल लग रहा है, आइदर जो है फैट ये जो लिपिड की हार्मोन का मॉडल है या प्रोटीन की हार्मोन, कैसे पता चला है? हमारे बुक के अंदर ऐसी तस्वीर है, तो हमने मैंने जरा इधर एक ये इलस्ट्रेशन रखी है, बुक में भी आएंगे ऐसी तस्वीर होगी जो प्रोटीन के हार्मोन के मॉडल की होगी, प्रोटीन सर्विस में प्रोटीन की। तो यू नो वेरी वेल, जैसे ये पेप्टाइड हार्मोन है तो रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद जैसे हमारे यहाँ जैसे एक ही जगह पॉइंट है कि भाई एजिनिलेटर साइक्लिज एंजाइम की वजह से एटीपी भी कन्वर्टेड इनटू सीएमपी जो सेकंड मैसेंजर होता है, पर इसके अंदर अपनी सीरियल रिएक्शन होती है, इसे कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन, जिसे हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन का मतलब ये होता है कि जो आउटसाइड एक मैसेज होता है, जो किस तरह मैसेज है हार्मोन का, उस मैसेज को जैसे टारगेट करना, इधर जो इसका फंक्शन है वो उसको परफॉर्म करना होता है, जिसे कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। ट्रांसफर अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड क्या है, आउटसाइड जो देखता है हार्मोन है उसके बाद उसने घर के अंदर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें बंदे को बुलाया, वो दूसरे को चौथा, और अल्टीमेटली जो टास्क था वो
किसकी डिग्री हुआ, कहने की जो है बाइट में बंदर का है उसकी कहने की साथ में हुआ। तो इससे व्यक्ति सिग्नल क्लास रिएक्शन कर दिया और इसमें जो 100 का मॉलिक्यूल सिग्नल हुए जिन्हें कहते हैं ब्लेड मॉलिक्यूल्स के जो ऑक्सीजन जो मैक्सिम है किसका रेसिडुअल होगी टारगेट सेल की जो रेसिडुअल होते हैं वो सेल में ग्रेट हो जाए, बाकी जो इनसाइड द सेल होगी इनसाइड द सेल होगी आइदर इन साइटोप्लाज्म भी हो सकते हैं या न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है किस स्टेट में ये हार्मोन है। तो हार्मोन की जो रिसेप्टर होते हैं टारगेट सेल के अंदर सेल लेवल में भी हो सकते हैं साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं या न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकते हैं। जैसे यूरोमेटल जो स्टीरॉयड हार्मोन होता है उसके जो रिसेप्टर होते हैं जो कम भी हो सकते हैं रिसेप्टर आइदर साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर। हार्मोन बिगनर्स हैं चेंजेस दूसरे स्टीरॉइड हार्मोन जो है एक अभी हमने पढ़ा कि एक रीनल ग्लैंड की हार्मोन स्टीरॉइड नेचर होते हैं, थायराइड के हार्मोन स्टीरॉइड नेचर होते हैं, प्लस है थायराइड हार्मोन जो हमारे न्यू स्टीरॉइड्स में बुक में आपने से देखा है थायराइड हार्मोन। आप कहेंगे थायराइड तो मल्टीपल हार्मोन से है ये कैसे हो गए बुक में, तो बिकॉज टाइम्स जो अमाइन एसिड्स के साथ दो रिंग्स हैं एक फिनोलिक रिंग है और दूसरी बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग जो नॉन पोलर होती है और नॉन पोलर आपको पता है नॉन पोलर होने की वजह से जैसे हम उससे कह नहीं लिए थे बुक लेते हैं सिंपली उतना रीजन है बुक के अंदर ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है और हमेशा स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज होते हैं। एक जगह भी हमने पढ़ा है थायराइड हार्मोन अमाइन है और दूसरी जगह भी पढ़ा है कि बड़ा है। सच्चा
सब समय में अंदर से भी जैसा पड़ा हुआ है।